तो वेलकम है दोस्तों। देखिए जेएसएससी ने एक नया अपडेट दिया है और यह है झारखंड के जितने भी टीचर में वैकेंसीज आप आई हैं, ठीक है, उन सभी के लिए। तो पहले पीजीटी टीचर था और पीआरडी टीचर, उन्हीं के रिगार्डिंग न्यूज आई है जो 26,000 वैकेंसी आई है अभी, ठीक है। देखिए एक नोटिस में चार गो पॉइंट के बारे में बताया गया है और चारों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे वीडियो में डिटेल से। तो जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या फिर कोई रिलेटेड फॉर्म अप्लाई करना है तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आज का न्यूज है, अभी आया है, जस्ट आधा घंटा हुआ है न्यूज आए। बोला क्या गया है कि आयोग द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट, ठीक, एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक प्राचार्य के पदों पर, इंटरमीडिएट एवं सहायक यानी कि डीएलएड और जो बीएड किए हुए टीचर लोग अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 13/2023 झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रकाशित की गई थी। पहले नाम क्या था इसका? झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक, 2023। इसका जो है नाम अब बदल दिया गया है, ठीक है। क्या बोला गया है कि उक्त के क्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक संख्या 1080 दिनांक 2 अगस्त 2023 के आलोक संबंधित परीक्षा का नाम निम्न रूपेण परिवर्तित किया जाता है। तो नाम बदल दिया गया, नाम अब क्या रखा गया है? झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सबसे पहली न्यूज क्या है कि आपका जो है नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो नाम बदलने से क्या होगा, काम तो वही है, आगे देखते हैं। अगला न्यूज है तो यहाँ पे नोटिस में बोला गया है कि उक्त प्रकाशित विज्ञापन से संबंध विवरणिका की खंडिका 18 क और 18 ख में क्रमशः इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा के विषय पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। और निर्धारित में क्या बोला गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक संख्या 1079, ठीक है, 1079 1079 दिनांक 2 अगस्त 2023 के आलोक में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों के लिए पत्र 1 के अंतर्गत उल्लेखित 11 भाषाओं के अतिरिक्त, पहले 11 भाषा था, इसके अलावा अभी जो है संस्कृत भाषा को, उड़िया भाषा को, बांग्ला को, उर्दू को जो है सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है, पेपर 1 के लिए। समझ गए कौन कौन है? संस्कृत है, उड़िया है, बांग्ला है, उर्दू है, और इन सभी को जोड़ दिया गया है। आगे बोला गया है कि विवरणिका के खंडिका 5 के अंतर्गत खेलकूद कोटा जो है के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार या फिर झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 2/9/2007 के आलोक में इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य श्रेणी ग के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु पूर्व निर्धारित मानक को निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो उनको संशोधित किया जा रहा है, संशोधित क्या है कि प्रतियोगिता स्तर क्या रहेगा आपका, अगर आप स्टेट लेवल पे, स्टेट यानी कि भारत के ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता है तो आप को माना जाएगा, ठीक है, द्वितीय और तृतीय स्थान पे। और अगर आप झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित आयोजित अधिकारी या चेयरमैनशिप हैं प्रथम स्थान पर या फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय कार्डर के, नेशनल कार्डर के, उन सभी के यहाँ पे आपको आरक्षण दिया जाएगा। विज्ञापन एवं विवरणिका के शेष शर्तें सेम टू सेम रहेंगी, बस ये चार चीज़ें जो है चेंजेस की गई हैं, पहला भाषा, दूसरा है नाम बदल दिया गया है, और तीसरा है ये चीज़, ठीक है, एंड चौथा क्या है, तो चौथा बस ये नोटिस है। तो ये था न्यूज आज का, इसका PDF में लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बाय वॉचिंग दिस वीडियो, एंड क्या बताएं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह से अपडेट आपको देते रहते हैं। थैंक यू।